दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF एग्जाम क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका लहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम 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 शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, रब करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे से अपनी आंख खोलेंगे। गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज क्लास। तो धीरे धीरे अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है, थोड़े ही लेक्चर्स रह चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे एंड किया था, राइट? याद है सभी को कि थोड़ी पीछे से हम स्टार्ट करें? याद है मैम। यस, नेचुरल हजार्ड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने दो चीजें डिस्कस की थी, आई थिंक लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक। ओके, सिस्मिक वेव्स के बारे में, जो टाइप्स है उसके, बॉडी वेव, सरफेस वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, राइट? और मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक। आई थिंक पवन जी ने लास्ट टाइम कुछ तो पूछा था और क्लियर करना रह गया था। मिटिगेशन मतलब कि प्रिवेंशन, या तो कैसे उसकी इफेक्ट को कम किया जाए, सीवियरिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं। ओके, प्रिवेंट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि दे आर नेचुरल। ओके, बट हाउ कैन वी डू एफर्ट्स टू, जो उसकी सीवियरिटी है उसको हम कैसे सहन करेंगे, राइट? ओके, तो मिटिगेशन मतलब प्रिवेंशन और कामनेस और सहनशीलता, आई थिंक हिंदी में प्रॉपर वर्ड है। ओके, तो प्रबंधन। प्लानिंग है, पब्लिक एजुकेशन है और इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर। प्लानिंग मतलब जब भी कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती है तब प्रॉपर उसका चेकअप किया जाए कि वो, या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वो जिम्मेदारी है कि कैसे वो प्लानिंग हो रही है। पब्लिक एजुकेशन मैंने बोला था कि पब्लिक या तो स्कूलों में या तो लोगों को डेमो दिया जाए कि अगर अर्थक्वेक हो तो कैसे हम बच सकते हैं, या तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं। एंड इंजीनियर स्ट्रक्चर्स में जो बिल्डिंग वगैरह है वो भूकंप प्रूफ बनाए जाए। ओके, तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज सुनामी। सुनामी तो सभी ने सुना ही होगा वर्ड, राइट? द टर्म सुनामी हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ जैपनीज टर्म सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स। ओके, हार्बर वेव्स जो शोर होता है, हार्बर रहता है, या तो हिंदी में बोलिए क्या बोलते हैं हार्बर को? बंदरगाह। यस, जो बड़ी वेव्स बंदरगाह पे आती है तो उसका पूरा टर्म सुनामी जैसे बनता है। और सुनामी वर्ड हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, जो बहुत बड़ी तबाही हुई थी इंडियन ओशन में, राइट? इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत बड़ा हुआ था। तो टीवी पे भी सबने देखा होगा कि कैसे बड़ी बड़ी वेव्स, बहुत लंबे किलोमीटर तक की वेव्स बनती है, और जब वो शोर पे आती है या तो हार्बर पे आती है तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है पूरे एरिया को, उसके अंदर सबमर्ज होता है, उसके अंदर चला जाता है, राइट? सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स विथ वेरी लॉन्ग वेव लेंथ। ऐसे वेव लेंथ बोलते हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी, दिस इज द वेव लेंथ, शॉर्ट वेव लेंथ एंड लॉन्ग वेव लेंथ। ओके, तो और टिपिकली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबी रहती है ये वेव लेंथ, कॉज्ड बाई लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द ओशन। जब सी में या तो ओशन में या तो समुद्र में, उसके अंदर बहुत ओशन करंट्स भी रहते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस होता है और बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। ओके, जब तक वो अंदर है, सी के अंदर के पार्ट में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब वो शोर पर या तो हार्बर पे या तो समुद्र के किनारे आ जाती है, देन जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, राइट, प्लांटेशंस है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स, उनको डिस्टर्ब करती है, तो इट इज़ वेरी बैड। सो सुनामी क्लियर है सभी को? और जो ये ओरिजिनेट हुआ था इंडियन ओशन में, जो कि इंडोनेशिया और बाली, इंडोनेशिया और इंडिया दोनों को इफेक्ट करके गया था, राइट? सभी को याद होगा, और बहुत सारे लोगों के रिलेटिव जो भी टूरिस्ट थे वो पूरे सब मतलब गांव के गांव क्लियर हो गए थे सुनामी में। ओके, किसी को डाउट है? तीन हमने कवर किए हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड सुनामी। आगे चले हम।
वॉलकेनो. नेक्स्ट इज वॉलकेनो. व्हाट इज वॉलकेनो? ज्वालामुखी. मैं ये पिक्चर में क्लियर कर दूं, ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है बट इट इज रॉन्ग. जो ये साइड के वेंट है दैट इज सेकेंडरी वेंट, और ये जो सेंटर में है दैट इज द मेन वेंट. ये थोड़ा गलत दिखाया गया है. राइट, व्हाट इज वॉलकेनो, व्हाट इज ज्वालामुखी? तो वॉलकेनो इज एन ओपनिंग और अ रेप्चर इन द अर्थ सरफेस और क्रस्ट, मतलब ऊपर की सतह पे, विच अलाउज हॉट मैग्मा, जो कि लावा है, वॉल्केनिक ऐश, जो कि क्या बोलते हैं ऐश को, राख राख, यस राख, एंड गैसेस भी उसके साथ निकलती है. तीनों चीजें निकलती है जब वॉल्केनो इरेप्ट होता है. राइट, फ्रॉम विथ इन द अर्थ टू रीच द सरफेस, ऐसे नीचे उबलता रहता है. बट जब ये वेंट बोलते हैं वेंट, राइट, जहां से वो ऊपर आते हैं, दिस इज द मेन वेंट, दिस इज द साइड वेंट. राइट, छोटे रहते हैं साइड वेंट, या तो सेकेंडरी वेंट बोलते हैं वहां से. और ये क्रेटर बोलते हैं, जो ऊपर का ओपनिंग है, राइट, उसको क्रेटर बोलते हैं. वहां से पूरा ऐसे लावा बाहर इरप्ट होता है, लावा में हॉट मैग्मा होता है, राख रहती है, वॉल्केनिक ऐश, और बहुत सारे गैसेस भी रहते हैं. हमने SO2 याद होगा, उसमें भी ये निकलता है. राइट, और वो जब सतह पे आता है ऊपर की तरह, नीचे है देन इट इज नो प्रॉब्लम, बट जब ऊपर आता है वी कॉल इट वॉल्केनो. मोस्ट वॉल्केनोज हैव ए वॉल्केनिक क्रेटर एट द टॉप. बहुत सारे क्रेटर्स रहते हैं जहां से इरेप्ट होते हैं, बट बहुत सारे वॉल्केनोज जो कि बहुत 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 सालों तक इरेप्ट ही नहीं होते, या डेड वॉल्केनो, या तो बहुत लंबे समय तक जो इरेप्ट नहीं होते हैं, वैसे वॉल्केनोज भी रहते हैं, उनके क्रेटर नहीं रहते, वो ऊपर ओपनिंग नहीं रहते. राइट, वेन दे आर एक्टिव, एक्टिव वॉल्केनोज एंड डोरमेंट वॉल्केनोज, दो टाइप के वॉल्केनोज रहते हैं, एक्टिव और डोरमेंट. ऐसे कुछ तो टाइम पीरियड है कि अगर इतने सालों तक वॉल्केनो इरप्ट नहीं होता है देन वी कॉल्ड इट डोरमेंट वॉल्केनो, और टाइम लिमिट से ही डिसाइड किया जाता है इट इज एक्टिव और डोरमेंट. ओके, और जब वो एक्टिव रहता है तो ये सारी चीजें, तीन चीजें बाहर आती है. दिस इंक्लूड्स लावा, स्टीम, गैसेस, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ऐश, ब्रोकन रॉक पीसेस, ये सब चीजें बाहर आती है. और जो भी एरिया में ये है तो बहुत बहुत लंबे किलोमीटर्स तक भी डैमेज होता है. राइट, और जब ये इरप्ट होता है बहुत जोर से आवाज आती है, और बहुत कितनी स्पीड से, या तो कितना एक्टिव है, कितने एरिया को सराउंड करेगा, वो हिसाब से डिपेंडेंट है वॉल्केनो. और लोगों को भी वहां से कभी कभी हटाया जाता है अगर वो ज्यादा बड़ा है और ज्यादा इरप्शन हुआ है तो. राइट, ये सिंपल टॉपिक है, सबको मालूम ही होगा. राइट, आगे चले हम. इरप्टिंग वॉल्केनोज कैन पोज मेनी हैजार्ड्स, हजार मतलब बहुत सारी खराब चीजें भी कर सकता है. राइट, वॉल्केनिक ऐश कैन बी अ थ्रेट टू एयरक्राफ्ट, स्पेशली जेट एयरक्राफ्ट. अगर ये वॉल्केनो बहुत ही ऐसे स्पीड से निकलता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है, गैस निकलता है, इतने ऊपर तक जाता है, या ट्रोपोस्फियर या तो स्ट्रेटोस्फियर, ऊपर तक जाते हैं ये धुएं और राख जो उनकी उठती, क्योंकि बहुत बड़े प्रेशर से ऐसे धमाके से ये फटता है. राइट, जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो फ्लाई कर रहे हैं तो उनको ये हार्मफुल है. राइट, ये थ्रेट है क्योंकि दिखाई भी नहीं देगा अगर इतना बड़ा धुआं होगा तो, क्योंकि एशेज निकलते हैं साथ में. ओके, और गैसेस भी बहुत टाइप के निकलते हैं. लार्ज इरप्शंस कैन अफेक्ट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी इफेक्ट करता है. कैसे? ऐश निकलती है और ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकलते हैं, जो सन की धूप है उसको कवर अप कर देते हैं, सन को. राइट, जो आ रही है हमारे एटमोसफियर में, और कूल द एटमोसफियर लोअर, सॉरी, एंड कूल द अर्थ लोअर एटमोसफियर और स्ट्रेटोस्फियर. अगर इरप्ट हुआ है वॉल्केनो, उसमें से एशेस और सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स निकले हैं, तो जो सन की धूप आ रही है उनको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी. राइट, और जो हमारे अर्थ का एटमोसफियर, जो कि कूल होना चाहिए, ये तो सॉरी थोड़ा वार्म होना चाहिए, उसको वो ठंडा कर देती है. क्यों? क्योंकि सन की लाइट पहुंच ही नहीं रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कुछ डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है वॉल्केनिक इरप्शन से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. देन ऑल्सो एनीवन, डिस्क्रिप्शन चाहिए कि हम आगे चले? मैम इसी लाइन को एक बार और बताइए ना. यस, अगर लार्ज इरप्शन हो रहा है तो ये टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है. कैसे? क्योंकि लार्ज इरप्शन, या तो वॉल्केनो से लावा जो निकलता है, ऐश जो निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो निकलते हैं, वो सन की जो धूप है हमारे अर्थ पे आ रही है उनको
कवर अप कर देगी, आने नहीं देगी, तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा, राइट? वार्म चाहिए ना हमें अर्थ का टेम्परेचर, जो कि ट्रोपोस्फियर में ही ज्यादा एटमोस्फियर की हवाएं रहती है ना, वो ठंडी हो जाएगी, विच इज नॉट गुड. तो कूल द अर्थ लोअर एटमोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को वो ठंडा कर देगा, विच इज नॉट गुड. और वॉल्केनिक ऐश के बारे में बोला, जो ऐश निकलती है वो एयरक्राफ्ट, स्पेशली जेट एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि वो पूरा कवर अप कर देगी एटमोसफियर, वो दिख ही नहीं पाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगी, राइट? जेट एयरक्राफ्ट आर वेरी फास्ट. दोनों पॉइंट्स क्लियर है कैसे वॉल्केनोज से जो, साइक्लोन या नेक्स्ट इज साइक्लोन. व्हाट इज साइक्लोन? चक्रवात यस, चक्रवात, साइक्लोन. और साइक्लोन के बहुत सारे नाम है, राइट? टाइफून या तो ह्यूरिकेन्स ही बोला जाता है उन्हें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, विली भी बोलते हैं, और टॉर्नेडोस भी बोलते हैं. दिस आर द नेम्स जो जो अलग अलग जगह पे उनको बोले जाते हैं. या पहले हम यही डिस्कस, साइक्लोन्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि टाइफून्स, हुरिकेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इंडिया में हम उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसे विली बोलते हैं, साउथ अमेरिका में उसे टॉर्नेडोज बोलते हैं, और कैरेबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये दो नामों से वो जाना जाता है, राइट? चक्रवात नाम से ही क्लियर है कि इट विल मूव इन सर्क्यूलर मूवमेंट. ओके, तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर सराउंडेड बाय हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर रिजल्टिंग इन स्वर्लिंग एटमो. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं अपनी लैंग्वेज में ही बता देती हूँ. ये हमारा अर्थ है, राइट? अर्थ, सॉरी वापस ड्रॉ करती हूँ. दिस इज अवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर. मालूम है ना सभी को, सेंटर इक्वेटर पास होता है, राइट? तो ये यहाँ ऐसे पार्ट किए जाते हैं, हमने जब ज्योग्राफी में पढ़े थे, दिस आर पोलर रीजन, दिस आर टेम्परेट रीजन, ये वाले इसके नीचे, और दिस वन इक्वेटोरियल रीजन, या तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड दिखा देती हूँ, यहाँ पे है ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल रीजन आर द रीजन अराउंड द इक्वेटर, एंड टेम्परेट रीजन उसके बाद आता है. ये इक्वेटर है, उसके बाद ऐसे बेल्ट्स बनते हैं, किसी को मालूम है क्या? सबने सुना ही होगा, राइट? ये अर्थ है, सेंटर पार्ट इक्वेटर है, उसके बाद ये ट्रॉपिकल रीजन है, उसके बाद टेम्परेट रीजन, और उसके बाद पोलर रीजन. ऐसे ऊपर नीचे दोनों तरफ से डिवाइड होता है हमारा अर्थ, राइट? डाउट है किसी को? मुझे हिंदी में वर्ड नहीं मालूम. ट्रॉपिकल रीजन इज द रीजन अराउंड द इक्वेटर, टेम्परेट रीजन उसके बाद आता है, और फिर पोलर रीजन आता है जो पोल के पास होते हैं. ओके, तो ये कहाँ पे क्रिएट होना हो रहे हैं वो क्लियर मतलब डेफिनेशन में बोला गया है. ओके, साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर सराउंडेड बाय हाई, मतलब एक इधर अगर लो है तो उसको सराउंड किया है हाई प्रेशर ने. यहाँ पे लो है सेंटर में, उसके अराउंडिंग में, सराउंडिंग में सॉरी, हाई प्रेशर है, और उसकी वजह से स्विलिंग या तो गोल गोल ऐसे एटमोस्फेरिक डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं, और उसके साथ पावरफुल विंड भी रहती है जो कि एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सभी को मालूम होगा, राइट? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की भी स्पेशल जगह बोली गई है कि कहाँ पे रहता है, राइट? पावरफुल विंड ब्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो हमारे अर्थ के, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट? वहां पे उनकी डायरेक्शन कैसी रहती है वो बोला गया है. कंफ्यूजन मत कीजिए, एकदम सिंपल है. साइक्लोन सभी ने देखा होगा, सुना होगा, पर वो क्रिएट कैसे होता है ये सिंपल डेफिनेशन में बोला गया है. ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो भी इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये चक्रवात सर्क्यूलर या तो लो प्रेशर और उसके आजू बाजू में हाई प्रेशर जब क्रिएट होता है, और उसके साथ जब पावरफुल विंड्स भी बहती है, एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में, तब ये चक्रवात बोला जाता है. ओके, अगर प्रॉब्लम रहा तो मैं इसकी सेम टू सेम ट्रांसलेशन हिंदी, जब मैं स्लाइड अभी शेयर कर दूंगी, आज का टॉपिक खत्म होगा तो पीडीएफ में, तब मैं डाल दूंगी. फाइन, चाहिए क्या किसी को कि इज इट क्लियर फ्रॉम इंग्लिश?
हिंदी में हिंदी मैं, में डाल दीजिए, हिंदी में बहुत चले सरल है क्योंकि यस हिंदी किसी किसी को में हिंदी में, क्योंकि शुद्ध हिंदी रहती है तो वो टफ जाते हैं कभी कभी डेफिनेशंस, कभी इंग्लिश में ही इजी रहते हैं, राइट। अगर ये मुझे लग रहा है कि थोड़े कंफ्यूजन जाएगा तो मैं इसका हिंदी डाल दूंगी। ओके, पहले चक्रवात समझ में आया क्यों क्रिएट होता है, इजी समझ में आया इतना डेफिनेशन की और कंफ्यूजन वापस क्लियर करूं। और ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में होता है, ट्रॉपिकल मैंने बोला ना कि जो इक्वेटर, इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सेंटर इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य, सॉरी, भूमध्य ओके रेखा। ओके, वहां से उसको ट्रॉपिकल एरिया, मतलब सराउंडिंग द इक्वेटर एरिया है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले एरिया मतलब जो उसको सराउंड करते हैं दैट इज टेम्परेट रीजन, वहां पे ये क्रिएट होते हैं क्या, साइक्लोन्स। ओके, और हमने नाम तो उसके देखे ही है, राइट, कौन कौन से कंट्रीज में उसको क्या नाम से बुलाया जाता है। ओके, और मैम ये जो ट्रॉपिकल होता है इसको उष्ण कटिबंध बोलते, कटिबंध तो एरिया, यस इसका, यस हाँ, यस इसको यस, मतलब क्या होता है, मतलब इसका? उष्ण कटिबंध मतलब, एक मिनट मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इक्वेटर रीजन को ऐसे माना गया है कि हमारा जो अर्थ है वो स्लाइटली टिल्टेड है, ऐसे है हमारा अर्थ, राइट, और ये पार्ट दिस इज द इक्वेटर पार्ट, और अगर यहाँ से सन आ रहा है तो ऑल द ईयर राउंड ये पार्ट, क्योंकि वो फेस कर, आपको समझ में आ रहा है, हमारा ग्लोब देखा है आपने घर पे रहेंगे बच्चों के हाँ पास, हाँ अर्थ हाँ का जी ग्लोब वो स्लाइटली जी टिल्टेड रहेगा। ओके, तो द इक्वेटर पार्ट विल बी फेसिंग मोर, ये पार्ट को सन थोड़ा दूर से मतलब रेस पहुंचेंगे, दिख रहा है, दिस पार्ट विल रिसीव मोर सन रेस, तो ओके वो ज्यादा ओके अगर घूमेगा तो भी ये पार्ट तो आगे ही आएगा ना सन के सामने, देन इट विल बी जी मोर वार्म, या तो हीट ज्यादा रहेगी, ओके उष्णकटिबंध मतलब वहाँ हीट ज्यादा होगी। यस, क्योंकि वो टिल्टेड है, राइट, सीधा नहीं है हमारा अर्थ, ऐसे नहीं है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड, और दिस पार्ट इज ऑलवेज फेसिंग मोर टुवर्ड सन, ठीक क्लियर है। ठीक तो थैंक साइक्लोन्स को कहाँ बोला गया है कि वो ज्यादा होंगे, और ये जो एरिया है ना उसके बाद के जो एरिया है दिस वन, दे आर नोन एज टेम्परेट रीजन, समझ में आया, तीन पार्ट मतलब छह पार्ट में पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है, दिस टू आर पोलर रीजन, उसके बाद ये दो है दिस आर टेम्परेट रीजन, और ये जो है वो ट्रॉपिकल रीजन बोला गया है, ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर तीन पार्ट में टोटल छह, मतलब दोनों रहते हैं इक्वेटर के दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे तो छह पार्ट हो गए, क्लियर है सभी को, ये ओके बेसिक है, हम ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे शायद जिनका ये हुआ है। ओके, तो साइक्लोन्स कहाँ पे, पोलर रीजन में नहीं होंगे, ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ही साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि लो प्रेशर और उसके अराउंड हाई प्रेशर और उसके साथ बहुत ज्यादा विंड जब मिल जाती है तब चक्रवात क्रिएट होते हैं। ओके, थोड़ा सा हम डैमेज भी देख लेंगे, ये इसमें ही मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, डैमेज बाय साइक्लोन, तो अगर साइक्लोन या तो चक्रवात आता है, टीवी पे देखा होगा सभी ने, इतनी स्पीड में रहती है हवा कि गांव के गांव वो साफ कर देता है, जैसी उसकी स्पीड है वो हिसाब से वो घूमता ही जाएगा, और रास्ते में जो भी चीज आती है उनको क्लियर कर दिया तो उठा के फेंक देता है, राइट, फर्स्ट इन ए सडन ब्रीफ ऑनस्लॉट, मतलब साफ कर देना, क्लियर कर देना। हाई विंड कॉजेज मेजर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारी बिल्डिंग्स है, हाउसिंग है, उनको डैमेज करेगा, पर्टिकुलरली जो फ्रेजाइल मतलब बहुत ही नाजुक कंस्ट्रक्शन है उनको वो खराब कर दे, खेती बाड़ी जो जो भी चीज, उसका एक रास्ता रहता है, पाथ रहता है, या तो पॉइंट रहता है जहां से वो इमर्ज होता है और ऐसे पास होता जाता है, राइट, तो वो जो भी चीज साथ में आएगी उसको वो खराब कर देगा, स्लॉट ऑन स्लॉट मतलब सफाया है तो खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, जनरली जो नाजुक चीजें हैं, फ्रेजाइल कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही वीक कंस्ट्रक्शन है, उनको वो तोड़ देगा, खराब कर देगा, राइट, मिटिगेशन मतलब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो उसका इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ऐसे बोला गया है कि अगर हम ग्रीन बेल्ट प्लांटेशन, सॉरी, कि हम पेड़ पौधे उगाए, ज्यादा पेड़ रहेंगे तो उनका स्पीड जो भी साइक्लोन क्रिएट हो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसको जगह ही नहीं मिलेगी मूव करने की, क्योंकि प्लांट्स हैं वो उनकी स्पीड कम कर देते हैं, राइट, अलोंग द कोस्टल लाइन इन अ साइंटिफिक इंटरव्यूइंग पैटर्न कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हजार्ड,
व्हाट इज इंटरवीविंग पैटर्न? एक ऐसी अलग टाइप की पैटर्न है जिस तरीके से प्लांट्स को बोया जाए, राइट, उसको इंटरवीविंग पैटर्न। ज्यादा डीप में मुझे नहीं मालूम, बट इंटरवीविंग इज अ टाइप ऑफ पैटर्न बाय विच वी हैव टू प्लांट द ट्रीज। ओके, तो वो इस इफेक्ट, इस हैजर्ड को कम किया जा सकता है, राइट। ग्रीन बेल्ट प्लांटेशन हम याद रखेंगे। बड़े एक प्लांटेशन मतलब बहुत ही क्वांटिटी में, एक कोकोनट प्लांटेशन रहते हैं, बनाना प्लांटेशन रहते हैं, कैश्यू प्लांटेशन, मतलब एक ही टाइप के पौधे अगर बहुत बड़ी जगह में प्लांट किए जाते हैं, देन वी कॉल्ड एज इट ए प्लांटेशन। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछना है? हमने आज कवर किया वोल्केनो और साइक्लोन। एनीवन, कुछ है डाउट तो हम क्लियर कर लेंगे, बाद में ही आगे जाएंगे। सो कोई पूछ नहीं रहा तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज फ्लड, सिक्स्थ वन। ओके, व्हाट इज फ्लड? फ्लड हम क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं फ्लड को? बाढ़। 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 यस, इज अ बाढ़ स्टेट में ऑफ, यस, हाई वाटर लेवल अलोंग अ रिवर चैनल और ऑन द कोस्ट दैट लीड्स टू इंड्यूएशन ऑफ लैंड। इन इंड्यूएशन ऑफ लैंड मतलब जनरली जो लैंड या तो जो जमीन ओपन रहती है, विथाउट वाटर रहती है, वो पानी के अंदर चली जाएगी, दैट इज इन इंड्यूएशन ऑफ लैंड, राइट, विच इज नॉट यूजली सबमर्ज। जो खुली रहती है, ओपन रहती है, वो अंदर चली जाएगी, दैट इज इन इंड्यूएशन ऑफ लैंड। फ्लड मतलब, वापस रिपीट करेंगे हिंदी में कि फ्लड क्या है, बाढ़ क्या है, जब ज्यादा अमाउंट में पानी रिवर चैनल से या तो कोस्टल से ऐसी जमीन को कवर कर देता है, वो जनरली खुली रहती है, ओपन रहती है, राइट, उसको हम बाढ़ कहेंगे, राइट। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड्स, जैसे कि फ्लैश फ्लड, रिवरेन फ्लड, अर्बन फ्लड। व्हाट इज फ्लैश फ्लड? फ्लैश फ्लड मतलब जब अचानक से बारिश होती है, अगर हम एग्जाम्पल ले हिली एरिया में, तो वो फटक करके एक साथ ऐसे बारिश होती है, तो वो पानी धस जाएगा, राइट, स्लोप है तो वो एकदम जोर से नीचे आ जाएगा, देन वी कॉल इट एज फ्लैश फ्लड। और अगर वो समतल जमीन या तो फ्लैट जमीन पे जोरदार बारिश होती है, तो अचानक से जमीन उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वो फ्लड के रूप में कवर अप कर देता है, देन वी कॉल इट एज फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड दोनों जगह पे हो सकते हैं, हिली या तो माउंटेन रीजन पे, या तो फ्लैट जमीन पे भी हो सकते हैं, राइट। और रिवर एंड फ्लड मालूम ही है, जब रिवर का पानी बहुत बढ़ जाता है और जो हमारे रेसिडेंशियल या तो इन अंडुएशन मतलब जो खुली रहती है जमीन, वहां पे आ जाता है, राइट, रिवर से जो ओवरफ्लो के बाहर आ जाता है, गंगा या तो ब्रह्मपुत्र जब ओवरफ्लो होती है, राइट, दे आर नोन एज रिवर एंड फ्लड। एंड अर्बन फ्लड मतलब जहाँ पे बड़े बड़े सिटीज है, अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स है, वहां पे प्रॉपर पानी का निकाल या तो प्रॉपर नहीं है चीजें, कि अगर अचानक से बारिश हुई तो प्रॉपर होना चाहिए ना। बॉम्बे में बहुत बार होता है अर्बन फ्लड, अगर अचानक से बारिश होती है तो प्रॉपर उसका ड्रेनेज ही नहीं है, या तो वो भर गए हैं या तो क्लीन अप नहीं किए गए, तो पूरा पानी फ्लड की तरह या तो गाँव में ऐसे बहने लगते हैं, कवर कर देता है पूरे फ्लोर को, जमीन को, दैट इज नोन एज अर्बन फ्लड। मैम। क्लियर रिवर है? एंड कौन से थे? रिवर एंड मतलब जब रिवर्स में पानी बढ़ जाता है और आजू बाजू में जो सिटीज है, गांव है, जगह है, उसको कवर अप कर देता है, दैट इज नोन एज रिवर एंड फ्लड। फ्लैश फ्लड समझ में आया? यस मैम। अच्छा, या रिवर एंड फ्लड एंड अर्बन फ्लड, जो कि अर्बन एरियाज में होता है, सिटीज वगैरह में, जहां पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर सिस्टम अभी नहीं बनाई गई है, देन इट इज नोन एज अर्बन फ्लड। ओके, नेक्स्ट इज क्लाउड बर्स्ट। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट इज एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन समटाइम्स विद हेल एंड थंडर, विच नॉर्मली लास्ट नो लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स, बट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग फ्लड कंडीशन। क्लाउड बर्स्ट अगर सिंपल एग्जाम्पल देखे तो उत्तराखंड में जो हुआ था, राइट, केदारनाथ मूवी भी सभी ने देखा होगा, इट वॉज अ क्लाउड बर्स्ट। अचानक से जोरदार बारिश होती है, ऐसे बादल फटता है, राइट, हिंदी में शायद वही कहते कि बादल का फटना, एक ही जगह पे एक साथ पूरा बारिश गिरना। तो इसमें बोला गया कि ज्यादा समय तक नहीं रहता है, थोड़े ही टाइम में ऐसे जोरदार बारिश एक ही जगह पे गिर जाती है, राइट,
और समटाइम उसके साथ हेल, हेल मतलब ऐसे स्नोबॉल गिरते हैं, सुना होगा ना, हेल स्ट्रॉम आती है, छोटे छोटे बर्फ के गिरते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हेल को, ओले ओले, यस यस ओले, उसको कभी कभी उसके साथ ओले भी गिरते हैं, दैट इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट। और अचानक से जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट फ्लड कंडीशंस, राइट, फ्लड तो आ ही जाए, क्योंकि जमीन की कैपेसिटी या तो धरती या तो मिट्टी की कैपेसिटी नहीं रहती कि वो एक साथ इतना पानी अब्सॉर्ब कर सके, धीरे धीरे गिरता है, देन इट विल गो अंडर द ग्राउंड, बट अगर एक साथ गिरता है तो वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, क्लियर है? क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, थोड़े ही मिनटों में एक साथ जोरदार प्रेसिपिटेशन या तो बारिश का गिरना, और कभी कभी उसके साथ हेल या तो थंडर, राइट, रहते हैं साथ में, बिजली ऐसे कड़कड़ाहट वगैरह रहते हैं, दैट वी कॉल एज थंडर, वैसे रहता है। ओके, सो टर्म क्लाउड बर्स्ट में बी यूज टू डिस्क्राइब एनी सडन हैवी ब्रीफ, मतलब छोटे छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम में, यूजुअली अनफोरकास्टेड रेनफॉल, उसको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, या तो अचानक से ही वो हो जाता, फोरकास्ट करेंगे करेंगे तब तक तो वो गिर जाएगा, राइट, केदारनाथ मूवी में भी दिखाया गया कि उनको मालूम था, बोलना था, पर जब तक इन्फॉर्म हो, सब माने, शिफ्ट करे, तब तक तो वो गिर चुका था, राइट। द हैवी रेनफॉल, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट इन जून, इतनी सारी चीजें एक साथ हुई थी, जोरदार बारिश, फ्लैश फ्लड में अचानक से ज्यादा बारिश का गिरना, फ्लड हो जाना, लैंडस्लाइड भी हुआ था, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था इन जून 2013, कॉज हैवॉक इन उत्तराखंड, कॉजिंग डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये सबको मालूम होगा, राइट, इट इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड भी हुआ था। ओके, आगे चले हम, क्लियर है? यस ट्राउट, ट्राउट मतलब हमने पहले ही फोटोज, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने फोटोज देखे थे, राइट, दो तीन फोटोज थे कि व्हाट इज ड्राउट, एनीवन, व्हाट इज ड्राउट इन हिंदी, सूखा सूखा यस, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ अकाल जाना। पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, दैट इज नोन एज ड्राउट। और ड्राउट कब बोला जाता है, उसके डेफिनेशन है कि कोई, हम पढ़ेंगे, राइट, इट इज आइदर द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पैटर्न, जब बारिश ही नहीं होती है, या तो बहुत अल्प मात्रा में जब बारिश गिरती है तो हम बोलते हैं कि, ऐसे जनरली बूढ़े लोग बोलते हैं, अभी इस साल तो सूखा गिरेगा, मतलब सूखा होने वाला है, क्योंकि बारिश ही एकदम कम गिरी, या तो बारिश ही नहीं गिरी है, राइट, इट इज नोन एज ड्राउट। इट इज आइदर द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पैटर्न, की जैसे उसका अमाउंट रहता है कि पुणे में इतनी बारिश गिरती है, यहाँ पे इतनी बारिश गिरती है, महाराष्ट्र में या तो मध्य प्रदेश में, सब जगह भी अलग अलग कैपेसिटी रहती है, केरला में ज्यादा गिरती है, राइट, कर्नाटका में इतनी गिरती है, नॉर्थ में इतनी गिरती है, तो उसके नॉर्मल अमाउंट से जब बारिश कम गिरती है, राइट, वी कॉल इट डेफिशिएंसी, जब होती है तो एब्सेंस होती है, वी कॉल इट ड्राउट, और इसकी वजह से सोसाइटी को सफरिंग होती है, राइट, क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश, वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमारा पूरा सिस्टम एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट होता है, और सब लोग एग्रीकल्चर या तो बारिश पे ही डिपेंडेंट है कि चलो इस साल बारिश अच्छी हुए, पूरा साल अच्छा जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल डिपेंड होता है, और इकोनॉमी इज जनरली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, बारिश पे, राइट। ऑल्दो ड्राउट इज बेसिकली कॉज बाय रेनफॉल डिफिसिट, डिफिसिट मतलब कमी, विच इज ए मेट्रोलॉजिकल फिनोमेन, ये कुदरती ही है, अपने आप ही वो क्रिएट होता है प्रेशर, अपने आप ही बारिश होती है, राइट, इट मैनिफेस्ट इन टू डिफरेंट स्पीयर्स बिकॉज ऑफ वेरियस वेनरेबिलिटी फैक्टर्स एसोसिएट, वो अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंट है, अगर कोई नेचुरल फैक्ट कि इस साल ये प्रॉब्लम हुआ है तो इस बार कम बारिश होगा, ह्यूमन चीजें भी इस पे डिपेंड, अगर हम फॉरेस्ट कवर या तो डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ये इफेक्ट आ सकती है, राइट, अलग अलग चीजें डिपेंडेंट है, वैसे तो ये जनरल मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, बट अलग अलग स्पीयर, हमने अभी स्पीयर्स देखे थे ना, राइट, इस पे ये डिपेंडेंट है। ऑल्दो ड्राउट इज अ नेचुरल डिजास्टर, इट इफेक्ट्स आर मोस्ट वर्स्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
तो वैसे तो ये नेचुरल डिजास्टर, हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये सब अंडर नेचुरल डिजास्टर, ये कुदरती ही है, बट इसकी इफेक्ट ज्यादा खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज इसको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा कंज्यूप्शन है, ज्यादा हम खराब कर रहे हैं पॉपुलेशन को, हवा भी खराब कर रहे हैं, पानी भी, जमीन भी, तो इसका भी इफेक्ट होगा। सॉरी, ओवर ग्रेजिंग मतलब जब गाय या तो जो घास चरने वाले प्राणी है वो ओवर ग्रेजिंग, या तो ज्यादा उसके अमाउंट जो प्रोड्यूस होता है उससे ज्यादा वो यूज कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ही बड़ी फॉरेस्ट को एक साथ काटा जा सकता है, मतलब काटते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या तो कोई अलग चीज के लिए, तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सोयल इरोशन, सोयल इरोशन हवा से भी हो सकता है और पानी से भी, जब फ्लड आता है तब भी सोयल इरोशन होता है, और जब साइक्लोन्स या तो जोर से स्ट्रॉन्ग भी आते हैं तब भी सोयल इरोशन होता है, उसको भी ड्राउट, ड्राउट को ये चीज इफेक्ट करती है। और एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर, जो कि हमारी नदी है या तो जो ग्राउंड वाटर है या तो सरफेस वाटर है उसको यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए, तब भी ड्राउट की कंडीशन आ सकती है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, आगे भी शायद वर्ड आएगा, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, तो जो लाइफ या तो जीव में सब जो वेराइटी है, सूक्ष्म जीव से लेके ह्यूमन बीइंग्स तक जो भी कवर अप होते हैं, एनिमल, प्लांट्स, एनीथिंग विच इज लिविंग, उसको बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये सभी चीजें ड्राउट को इफेक्ट, दो इट इज नेचुरल डिजास्टर बट इसकी इफेक्ट ज्यादा खराब होती है इन सब फैक्टर्स से। ओके, वाइल्ड फायर आगे भी आ चुका है ये वर्ड, हमने डिस्कस किया था। तो व्हाट इज वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जंगल जंगल की की आग। आग। जंगल की आग ही बोलते, कोई ऐसे टिपिकल वर्ड नहीं है क्या वाइल्ड फायर का? दावानल दावानल। ओके, वनवा, वनवा भी बोलते हैं उसको, ओके ओके, सो इसलिए हमारी घर सॉरी, ये मराठी में है। ओके 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 ओके, सो व्हाट इज वाइल्ड फायर, या तो दावानल बोलते हैं उसको। तो वाइल्ड फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन कंबस्टिव वेजिटेशन दैट ऑकर्स इन द कंट्री साइड और वाइल्डनेस एरिया, जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे जंगल है वहां पे ये होता है, और इट इज अनकंट्रोलेबल फायर। बहुत सारे अमेरिका से या तो बहुत सारी बार सुना होता है कि वहां पे इतना वाइल्ड फायर कि पूरे इतने एरिया को खत्म कर दिया, और जो एनिमल्स वहां पे रहते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे वो है, आग लगी है वाइल्ड फायर, वो भी पूरी, क्योंकि कहाँ तक भागेंगे, राइट? इट इज वेरी फास्ट, जो पक्षी है, छोटे छोटे बर्ड्स है या तो छोटे छोटे जीव है, वो उतने स्पीड में नहीं भाग सकते जितनी स्पीड से ये फैलता है। ओके, अ वाइल्ड फायर डिफर्स फ्रॉम अदर फायर, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फायर, जो सिंपल आग लगती है उससे वाइल्ड फायर बहुत ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है, इट इज वेरी फास्ट, ये जल्दी फैलता है। अदर फायर्स बाय, एक तो उसकी साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़े एरिया में ये कवर अप करता है जब आग लगती है। दूसरा, द स्पीड एट विच इट कैन स्प्रेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स, एक छोटी जगह से, एक छोटे पॉइंट से ये स्टार्ट, और इसका एक्चुअल मतलब क्यों स्टार्ट होता है ये मालूम ही नहीं है। बहुत सारी थिंग्स होगी जिससे ये स्टार्ट, मैंने बोला था ना, या तो बिजली गिरती है कभी कभी, या तो कभी ह्यूमन एक्टिविटीज भी रहती है, या तो कभी दो पेड़ की टहनियां जब एक दूसरे से घिसती है, या तो कुछ ऐसे होता है तो फायर स्पार्क होता है तो भी ये हो सकता है। और एंड इट्स पोटेंशियल टू चेंज डायरेक्शन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कभी भी ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, राइट? हवा के साथ ये चेंज करके, अगर ये राइट साइड जा रहा है और हवा बह रही है ऑपोजिट साइड, तो ये तुरंत ही डायरेक्शन चेंज कर लेगा और दूसरी साइड पूरा जलने लगता है। एंड इट्स एबिलिटी टू जंप गैप्स, गैप्स मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे जंगल है, बीच से ये रोड जा रहा है, राइट? या तो हम रिवर बोलते हैं, रिवर जा रहे हैं और यहाँ पे ये जंगल है, तो ये पूरा इतनी बड़ी रिवर को या तो रोड को ये ब्रेक करके जंप हो जाएगा और यहाँ भी आग लग जाएगी। इट हैज दैट कैपेसिटी। ओके, ऐसे नहीं कि इतने में है तो इतना ही करेगा, रोड बीच में आ रहा है, नदी बीच में आ रही है, नहीं, वो उसको कवर अप करके भी दूसरी साइड लग सकती है, राइट? तो चार चीजें हैं,
चार चीजें दी गई है, राइट? क्योंकि अदर फायर से ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में या तो साइज में कवर अप करता है, आग लगाता है, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसकी डायरेक्शन कैसे भी चेंज हो सकती है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में अभी आग बढ़ेगी, राइट? और इट्स एबिलिटी टू जम्प द गैप सच इज रोड्स, रिवर एंड फायर ब्रेक्स, मतलब ये वॉल है या तो रोड, कोई भी चीज बीच में आती है उसको वो जंप करके दूसरी साइड जा सकते हैं। क्लियर है सभी को कि बोर होने लगे सब नेचुरल नहीं मैम, डिजास्टर? क्लियर ओके क्लियर है मैम। यस, तो यहाँ पे हमारा नेचुरल डिजास्टर हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, आगे जाएंगे, आज ये टॉपिक खत्म हो रहा है, राइट? यस, हमने ये पॉइंट्स कवर अप करने वाले थे। सॉरी सॉरी, अपने आप ही स्पीड हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट? नेचुरल हैजार्ड्स थे, तो हमने सब कवर अप कर लिया है। आज का टॉपिक, ये जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, वो एंड हो रहा है। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक हमने देखे थे, किसी को अगर कुछ डाउट है हम अभी सॉल्व करेंगे, राइट? यहाँ से स्टार्ट किया सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और ड्राउट एंड वाइल्ड फायर। ओके, आगे चलेंगे हम। एनीवन, एनी डाउट? अभी टाइम है, आप पूछ सकते हैं कि मैं स्टार्ट करूं नया टॉपिक, प्लीज मैं कंफर्म एनीवन। एक बार मैम वो अर्थक्वेक वाला बता दीजिए। पवन जी बोल रहे हैं? नो मैम, तुषार बोल रहा मैम। यस, ओके ओके, सॉरी। और फिर एक वापस रिपीट करेंगे, राइट? व्हाट इज एन अर्थक्वेक? चले हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तुषार जी बोल रहे हैं ना कि अर्थक्वेक क्या है, जनरली हमने फील किया है, बट वील गो इन डीप इनसाइड कि अर्थक्वेक क्या है। जब अर्थ के क्रस्ट से एक साथ जब एनर्जी या तो सडन एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, जो कि सिस्मिक वेव्स की वजह से मतलब क्रिएट होता है, या तो हम देख पाते कि ऐसे अर्थक्वेक हुआ है। वाई? ड्यू टू सिस्मिक वेव्स। और सिस्मिक वेव्स कैसे क्रिएट होती है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से। ओके, तो सिस्मोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये सिस्मिक वेव्स को स्टडी करता है, जो कि अर्थक्वेक का रीजन है। ओके, और ऐसे माना जाता है कि अर्थ का क्रस्ट या तो अर्थ एक प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स से बना है, ऐसे प्लेट से, प्लेट्स मालूम है ना, ऐसे फ्लैट लेयर्स 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 से बना है। ओके, और प्लेट टेक्टोनिक्स एक थियरी है, उसकी वजह से जब ये प्लेट्स एक दूसरे को पुल करती है, पुश करती है, या तो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करती है, और जब ये करते टाइम लॉक हो जाती है, तब एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, और जब वो मैक्सिमम लेवल तक जाता है, तब सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है। क्लियर है ये डेफिनेशन? जी और मैम, एक चीज और, जो आप प्लेट बता रहे हैं मैम, ये प्लेट कहाँ पर है? नीचे की साइड ही है ना? यस, जो अर्थ का क्रस्ट मतलब ले, हम ऊपर तो मिट्टी है, राइट? और मिट्टी को बनने में आपको मालूम है ना, पहले रॉक्स रहते हैं, उसके ऊपर छोटे रॉक्स, फिर ऊपर और करोड़ों साल बनते हैं ये फाइन डस्ट को बनने में, तो ये उसके भी नीचे लेवल की बात है। नीचे जो ऐसे प्लेट, आप थोड़ा सा सर्च करके, मैं पिक्चर तो अभी नहीं दिखा पाऊंगी, बट प्लेट टेक्टोनिक्स करके एक टॉपिक है, आप मतलब इंटरेस्ट है अगर आपको ज्यादा, तो आप जाइए उसके ऊपर और देखिए कि ये प्लेट्स अपना अर्थ का क्रस्ट कैसे प्लेट से बना हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक। या प्लेट टेक्टोनिक्स, उसकी एक थियरी है कि ये कैसे होता है पुल पुश और कैसे बनते हैं ये सब। और हमने डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, दो चीजों में मेजर करते हैं, एक तो रिचर स्केल और दूसरा है मॉडिफाइड मर्केली स्केल, ये दो है। ओके, और फिर हमने डिस्कस किया था सिस्मिक वेव्स की टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, एक तो बॉडी वेव्स जो मैंने बोला था कि अंदर की तरफ से, अर्थ की अंदर की तरफ से जो क्रिएट होती है दैट आर नोन एज बॉडी वेव, और बाहर की तरफ से जो वेव्स क्रिएट होती है दैट आर नोन एज सरफेस वेव्स। ये तो नाम से ही मालूम पड़ता है, ये सरफेस मतलब ऊपर, बॉडी मतलब इनसाइड। और इसके भी दो पार्ट है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स आर द प्राइमरी वेव्स और ये फास्ट है, दिस इज फास्ट। ओके, और एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, दे आर नोन एज सेकेंडरी वेव्स।
आर वेव्स आर रिले वेव्स, जो कैसे मूव करते हैं, अप डाउन मूव करते हैं, ओके। और एल वेव्स कैसे मूव करते हैं, साइड टू साइड, और ये फास्टर है, ओके। ठीक है और ये हमने देखा था ये कैसे मूव करते हैं, अप डाउन, और ये ऐसे साइड टू साइड, राइट, क्लियर है। जी मैम, ठीक और ये हमने यहां से तो आज का क्लास स्टार्ट किया था, राइट, सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन, फ्लड, क्लाउडबर्स्ट, ड्राउट, वाइल्ड फायर, ओके। मैम एक डाउट था, यस ये वोल्केनो वाला जो स्लाइड था ना, तो हमने जो डिस्कस किया कि यस वो सनरेज नीचे तक अर्थ तक नहीं पहुंच सकते, तो वो उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, अर्थ वो का वाली रेस्ट टेम्परेचर वाली। जो हाँ ये हाँ वाला ना, क्यों ये हाँ तो ऑब्स्क्योर वो करेंगे, समझ में नहीं आया कि कैसे वोल्केनो होता है तो वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, क्योंकि वही बढ़ेगा ना, ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, बट ये आजू पूरा नहीं बढ़, उतने एरिया में है ना, पर उसकी अच्छा ऐश है, दे विल गो टू मेनी किलोमीटर्स, बहुत सारे। आप एक बार वीडियो भी अगर गूगल पे देखना चाहें ना, तो आप देख, ऐश जब उड़ती है ना, तो गांव के गांव कवर कर देती है, और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी रहते हैं, पूरा ऐसे धुंध जैसा बना देता है, ओके, तो राइट। मतलब जहां पे वोल्केनो होगा वहां का वहां टेम्परेचर ज्यादा ऑब्वियसली रहेगा, ऑब्वियसली बट यस, हाँ तो बट बाकी का अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये कवर करेगी ना ज्यादा डिस्टेंस तक। एक बार इरप्ट हो गया, उसका एक लिमिट रहता है कि कितने दिन कितने टाइम तक इरप्ट हुआ, बाद में तो ठंडा हो जाएगा ना, बट दैट एश वो एकदम हल्की रहती है, वेरी लाइट, वो फ्लोट होती रहती है बहुत समय तक, और वो अंदर नहीं आने देगी किसको, सन के रेज को, ओके। जो कि हमारा ट्रोपोस्फियर है ना, जहां पे ज्यादा एयर, मैक्सिमम एयर ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है ना, जो अपने अर्थ के नजदीक है, राइट। तो उसको ज्यादा गर्मी नहीं मिलने देगी, तो नुकसान किसको होगा, पेड़, जो भी सृष्टि है उधर नुकसान तो होगा ही ना, राइट। वो रहने लायक जगह रहती ही नहीं है, जहां पे ऐसे बहुत जोर से ऐसे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, पूरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं। जी मैम, थैंक यू। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। अभी हमने अभी तक जो डिस्कस किया, राइट, प्रॉब्लम्स भी देखे, नेचुरल हजार्ड्स भी देखे, पोल्यूशन भी देखे, बहुत सारी चीजें देखी, तो अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट तो देखे हमने, राइट, सभी चीजें देखी एनवायरनमेंट के रिलेटेड, अभी डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना, कि रिसेंट टाइम में डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हम कवर अप करने के लिए हम क्या करना चाहिए हमें, तो ये दो टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दे विल कम अंडर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ओके। दिस आर द डेवलपमेंट गोल्स, कि पूरा हमारा जो ग्लोब है, पूरा हमारा अर्थ है, पूरे हम जो कंट्रीज हैं, सारे ग्लोबल नेशंस, वो क्या कर रहे हैं इन चीजों से निपटने के लिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग है, तो इंडिया में एक ही प्रॉब्लम नहीं है, राइट, हमें अकेले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो रहा है, दैट इज नॉट अवर इंडिया की प्रॉब्लम, सभी पूरे ग्लोबली वो प्रॉब्लम है, राइट। तो पूरे ये प्रॉब्लम है जो पूरा अर्थ फेस कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सभी मिलके, पूरा नेशन, सब नेशंस मिलके क्या कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हमारा इसके अंडर आता है 9th यूनिट में, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम डेवलप होने के लिए हम क्या क्या करेंगे। सो टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर दिस, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल, वो आगे हम देखेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वेर द 8 इंटरनेशनल, सभी नेशंस इन द इंक्लूडेड, राइट, नॉट ओनली इंडिया, 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द ईयर 2015 दैट हैज बीन एस्टेब्लिश फॉलोइंग द मिलेनियम समिट, एक मीटिंग की गई थी मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2000 में, और ऐसे डिसाइड किया गया था कि हम क्या क्या करेंगे, 8 इंटरनेशनल गोल्स रखे गए थे, और
और कवर कब तक करना है? 2015 तक, राइट? क्लियर है ये डेफिनेशन? 2000 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक मिलेनियम समिट की गई थी, एक मीटिंग की गई थी जहां पे नेशंस सब थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2000 से लेके 2015 तक क्या करेंगे, डेवलपमेंट क्या करेंगे और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, राइट? और उसके लिए 8 गोल्स को डिसाइड किया गया था, दैट इज नोन एज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एनीवन, कुछ प्रॉब्लम है? डेफिनेशन समझ में आई? 2000 से लेके 2015 तक के लिए गोल्स डिसाइड किए गए थे जो कि 8 थे। वो इंटरनेशनली, मतलब एक मिलेनियम समिट की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तब ये डिक्लेयर किया गया था, 8 गोल्स डिक्लेयर किए गए थे, राइट? क्लियर है सभी को? आगे चले हम गोल्स देखें। जी मैम, यस, तो अगर हम देखें MDGS, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या तो MDGS आर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स, खाली एक कंट्री नहीं, इंटरनेशनली वो गोल्स को एडेप्ट किए जाने वाला था ताकि हम डेवलपमेंट कर सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके। डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया दैट वाज रिलेटेड टू अवर एनवायरनमेंट, राइट? तो अगर हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी जरूरी है सभी के लिए, पूरे नेशन के लिए, पूरे ग्लोब के लिए डेवलपमेंट इज नेसेसरी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट? तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए दैट वॉज कवर्ड अंडर दिस। तो उसके लिए 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर, उसके मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स रहते हैं, सभी मेंबर्स नहीं रहते, तो 193 आर यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स, उसमें ये प्रेजेंट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था, राइट? और 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव एग्रीड टू अचीव बाय ईयर 2015। 23 इंटरनेशनल, और पूरा लिस्ट आएगा गूगल पे, आप देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारी है, टोटल 23 है। वो सभी ने एग्री किया था कि यस, हम ये गोल अचीव करेंगे टिल 2015, मतलब 15 सालों में वी विल अचीव दिस गोल्स, जो 8 गोल्स डिसाइड किए ना, राइट? 193 मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के और 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो ये हेल्प करने वाली थी गोल्स अचीव करने वाले करने के लिए, सॉरी। वेर ऑफिशियल एस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट इन 2000, वेर ऑल वर्ल्ड लीडर्स वेर प्रेजेंट। ये सभी प्रेजेंट थे, उनके जो वर्ल्ड के लीडर्स रहते हैं, जो भी कंट्री से कोई पार्टिसिपेट करता है, राइट, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने ये एडोप्टेड द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन, उन्होंने ये अडेप्ट किया अचीव करने के लिए। क्लियर है व्हाट इज मिलेनियम डेवलपमेंट? कितने कंट्रीज ने उसमें पार्ट लिया, कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी ये जो सपोर्ट करने वाली थी, और गोल्स थे जो 8 थे वो टिल 2015 दे हैज टू अचीव। ये 8 गोल है यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट आर द गोल्स? जो 8 गोल है हम कवर करेंगे, राइट? इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरा, व्हाट वी कॉल इन हिंदी हंगर को, पॉवर्टी मतलब गरीबी, भुखमरी जी, यस यस, उसको इराडिकेट करना है या तो भगाना है, यस, उसको हमें निकालना है, राइट? एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को रिमूव करना है। अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन देना है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं लिया जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे, अभी तो कम रह गए हैं, बट पहले बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन या तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं दिया जाता था, राइट? तो उसको अचीव करना है, राइट? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, वुमेन को भी एम्पावर करना है, और जेंडर इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। फोर्थ इज रेड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, जो कि बर्थ के टाइम या तो छोटी एज में ही जब बच्चों की डेथ होती
ये जो कि माल न्यूट्रिशन से या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लैक ऑफ न्यूट्रिशन रहता है उसकी वजह से भी डेथ होती है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, मैटरनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, HIV और एड्स का आई थिंक अभी कुछ तो वैक्सीन या तो दवाई ढूंढी गई है इसके बारे में, रिसेंट रिसर्च है, आई डोंट नो ज़्यादा, पर मैंने ऐसे सुना है, उसको कॉम्बैट मतलब उसके साथ टैकल करना है इसको, मलेरिया एंड अदर डिसीज जो कि जानलेवा भी माने जाते हैं और इरिटेटिंग मतलब बहुत प्रमाण में फैलते हैं और इरिटेट करते हैं और ये जाते ही नहीं, कितनी सारी चीज़ें की गई है, साइंटिस्ट अभी भी मतलब कर रहे हैं रिसर्च, पर ये जाते ही नहीं। तो कॉम्बैट मतलब लड़त देनी है, आई थिंक कॉम्बैट मतलब हिंदी वर्ड वही है ना, लड़त देनी है उसको, फाइट करना है अगेंस्ट देम, राइट, और एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब सहन करना या तो बनाए रखना, टू सस्टेन द लाइफ, ऐसे सिंपल वर्ड है, टू बनाए रखना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या मेंटेन करना है, डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए बट एनवायरनमेंट को भी बनाए रखना है, उसको खराब नहीं होने देना है, राइट, डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, पूरे सो जो वर्ल्ड के कंट्रीज है वो सब एक साथ मिलजुल के ये काम करेंगे। फाइन, क्लियर है सभी को, ये 8 गोल्स है, पूछे भी जा सकते हैं व्हाट आर द यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो ये 8 गोल्स हैं, डिटेल में मेरे जो नोट्स हैं मैं शायद उसमें दे दूंगी ज्यादा अगर डिटेल में, अथवा तो बेसिक, इट इज वेरी सिंपल, राइट, और ये सेकंड टॉपिक जो कि हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर कवर करने वाले हैं, फर्स्ट वन वाज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 15 ईयर्स का टारगेट था, राइट, 2000 to 2015, और उसमें 8 गोल्स कवर अप किए गए थे, कंट्रीज कितने पार्टिसिपेटेड थे 193 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 23, राइट, ये 8 गोल्स हैं। तो हम दूसरे टॉपिक पे चले, ये कवर मतलब खत्म कर देते, फिर मैं PDF भी डाल दूंगी, तो इतना हमारा फिर लास्ट एक टॉपिक रह जाएगा फिर। एनीवन, एनी डाउट, कोई डाउट है, पूछना है किसी को, आगे चले हम, लास्ट टॉपिक है, अभी 10 मिनट है तो कवर हो जाएगा। यस मैम, ओके, सस्टेनेबल, व्हाट इज टू सस्टेन, सस्टेन मतलब बनाए रखना, अगर हिंदी में बोले मतलब सहन करना या तो बनाए रखना, स्थिरता सॉरी बनाए रखना स्थिरता वैसे है ना, सॉरी स्थिर रखना। स्थिर रखना, राइट, स्थिर रखना, बनाए रखना, मेंटेन करना, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये टॉपिक में हम ये दो चीजें हम मैंने बोली ना आज, हम कंफ्यूज मत करिए, दो है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सस्टेनेबल डेवलप, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2015 और कब तक चलने वाला था, 2030 तक, फॉर 15 ईयर्स। हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने ईयर तक चलने वाला था, एनीवन प्लीज फास्ट बोलिए, 15 years, फिफ्टीन, फिफ्टीन, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्ट कब हुआ था, 2015, तो कवर अचीव कब तक करना था, 2030, 2013, यस, और उसके बाद मिले ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ वो टिल इट वाज टारगेट कब तक का था, 2030 तक, मतलब दोनों 15 15 ईयर्स के थे, राइट, क्लियर रखिएगा, दोनों 15 15 ईयर्स के थे, और उसमें कितने गोल्स थे, हाउ मेनी एट गोल्स वर टू बी अचीव, यस, सेवेंटीन 8 8 गोल्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट में, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स है, क्लियर है दोनों का डिफरेंस, यस मैम और उसमें जी मैम टोटल 169 टारगेट्स, मतलब छोटे छोटे चीजें, गोल्स आर बिग मतलब बड़े, एंड टारगेट्स फिर छोटे छोटे टारगेट्स रहते हैं जो गोल के अंदर ही कवर हो जाए कि ये करना है, राइट, तो 169 टारगेट्स थे और 17, उसके 8, इसके 17, दोनों 15 15 साल के थे। ओके, मिलेनियम स्टार्टेड फ्रॉम 2000 to 2015, ये 2015 to 2030, राइट, तो अभी सस्टेनेबल रिसेंटली क्या चालू है, विच वन इज गोइंग ऑन, डेवलपमेंट यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज
राइट नाउ इट्स ओके। तो अगर ऑब्जेक्टिव देखे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गोल, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो अ सेट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबल गोल दैट बैलेंस द थ्री डायमेंशनल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, दैट इज एनवायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक। तीनों चीजों को बैलेंस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्या तीनों चीजें? एक तो एनवायरमेंट को मेंटेन करना है, अच्छा रखना है, सोशल भी अच्छा रखना है, और इकोनॉमिकली भी हमें डेवलप होना है, राइट? अगर तीनों चीजें बैलेंस करनी है इसमें, किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इट इज थ्री डायमेंशनल डेवलपमेंट, और ये तीनों चीजों को बैलेंस करके हमें हमारे गोल अचीव करने हैं, राइट? और इसके लिए 15 ईयर्स का टारगेट दिया लिया गया है, और 169 छोटे छोटे टारगेट्स हैं, और मेन गोल्स कितने हैं? 17, दिस आर द 17 गोल्स फॉर एक्चुअली सस्टेनेबल। मैडम, इसमें कितने कंट्रीज थे? कंट्रीब्यूशन कंट्रीज नहीं दिए हुए थे? या नहीं दिए गए, राइट? आगे देखते हैं। नहीं, ये प्रोटेक्शन एक्ट है। मेरे जो आएंगे ना, क्या बोलते हैं, नोट्स, उसमें है शायद। ये छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई गई है ना, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, राइट? इसमें कंट्रीज दिए गए थे, राइट? मिलेनियम में ऑर्गेनाइजेशंस भी दी गई है। बट ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है, तो एक्चुअली इसमें जो रजिस्टर्ड कंट्रीज है, दे ऑल विल फॉलो दिस। जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के, वो एक साथ ही इनको फॉलो करते हैं, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ही डिसाइड करते हैं ये सब गोल्स, राइट? तो क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, उसमें भी था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, जो हमने 8 पॉइंट्स थे वो तो है ही, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो कि हमने आगे देखी थी ना, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, राइट? डिफिशेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों को डेवलप करना है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ये ओशन वगैरह को भी कवर करता है, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, और पार्टनरशिप फॉर द गोल, सभी एक साथ इसमें म्यूचुअली पार्टिसिपेट करेंगे सब कंट्रीज। बाद में ये दो चीजें हमने कवर की है आज, और इसके बाद एक नया टॉपिक, तो हम वो कल से स्टार्ट करेंगे, एनवायरमेंटल एक्ट इज अ न्यू टॉपिक। सो आज के टॉपिक हम वापस कवर अप करें क्या? नेचुरल हजार्ड्स में हमने क्या क्या देखे, फटाफट कोई बोल दीजिए, 5 मिनट है अभी। 7 चीजें हमने कवर की थी नेचुरल हजार्ड्स में, अर्थक्वेक, यस। ड्रॉट्स फास्ट, है, फ्लड्स है, सुनामी, यस, वॉल्केनियो, वोल्केनियोस, साइक्लोन करा था मैम, फ्लड करा था, यस क्लाउड ब्रस्ट करा था, ड्राफ्ट करा था, वाइल्ड फायर, दावन लग्नी, ये यस, करा था। ड्राउट भी थे, यस, उसके वेरी बाद, गुड। हाँ, इसके बाद हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करे थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 होते हैं मैम, और यस, गुड, इसमें 193 यूनाइटेड मेंबर होते हैं, और इसमें 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े सेशंस हुए भी, हैं। यस, सब सब इंक्लूडेड है जो ये सपोर्ट करती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? ये 17 17 है है, मैम। 17 है, और ये कब, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था, और अचीव कब तक करना है ये सस्टेनेबल दो हजार डेवलपमेंट? पंद्रह से दो हजार यस, कभी कभी डेट्स भी पूछे जा सकते हैं, राइट? तो कब मिलेनियम डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, कितने किसके गोल्स थे, वो सब हम छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखेंगे, राइट? तो मैं आज ये पीडीएफ इतने तक जो हमने कवर किया है, राइट, मैं आज ये ग्रुप पे डाल दूंगी, आप सब चेक कर लीजिएगा। बाद में हम कल से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करें, 4 बज गए हैं। आवाज आ रही है मेरी? सभी को क्लियर है? जी, यस मैम। हेलो।